पहला पाठ नबी इसायस का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्याएं 18 से 21। ये सभी राष्ट्रों में से तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु यह कहता है, मैं सभी भाषाओं के राष्ट्रों को एकत्र करूंगा, वे मेरी महिमा के दर्शन करने आएंगे। मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा, जो बच गए होंगे उनमें से कुछ लोगों को मैं राष्ट्रों के बीच भेजूंगा, तर्शीश, पूट, लूद, मोशेक, रोश, तूबल, यावन और उन सुदूर द्वीपों को, जिन्होंने अब तक ना तो मेरे विषय में सुना है और ना मेरी महिमा देखी है। उन राष्ट्रों में वे मेरी महिमा प्रकट करेंगे। वे प्रभु की भेंट स्वरूप सभी राष्ट्रों में से तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु कहता है कि जिस तरह इसराइली शुद्ध पात्रों में चढ़ावा लिए प्रभु के मंदिर आते हैं, उसी तरह वे उन्हें घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और सारणियों पर बैठाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम ले आएंगे। मैं उनमें से कुछ लोगों को याजक बनाऊंगा और कुछ लोगों को लेवी। यह प्रभु का कहना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ, इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12 5 से 7, 11 से 13 तक। प्रभु जिससे प्यार करता है उससे दंड देता है। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं, जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिससे प्यार करता है उसे दंड देता है, और जिससे पुत्र मानता है उससे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उससे पिता का दंड समझें, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और वह पुत्र कहाँ है जिससे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं, दुखद प्रतीत होता है। किंतु जो दंड द्वारा सुधारे जाते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लें और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा ना भटके बल्कि चंगा हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13 पद संख्याएं 22 से 30 तक। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। यीशु नगर नगर, गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे? इस पर यीशु ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा
और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, हे प्रभु हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। पर वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। रे कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो, जब तुम इब्राहिम, इसाहक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो।